है, इसमें क्या कह रहा है कि एन इनसाइड इंजन, एन इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव हैज इट्स सिलेंडर सेंटर लाइन 0.7 मीटर अपार्ट। ठीक है, सिलेंडर का जो सेंटर लाइन है वो 0.7 मीटर अपार्ट है एंड हैज अ स्ट्रोक ऑफ 0.6 मीटर। रोटेटिंग मासेस पर सिलेंडर आर इक्विवेलेंट टू 150 kg एट द क्रैंक पिन। ठीक है, रोटेटिंग मासेस 150 kg हैं और रिसिप्रोकेटिंग मासेस 180 kg। व्हील की सेंटर लाइंस द व्हील सेंटर लाइंस आर 1 मीटर 1.5 मीटर अपार्ट। क्रैंक आर एट राइट एंगल्स। होल ऑफ द रोटेटिंग मास होल ऑफ द रोटेटिंग एंड टू थर्ड ऑफ रिसिप्रोकेटिंग मासेस आर टू बी बैलेंस्ड बाय मासेस प्लेस्ड एट रेडियस ऑफ 0.6 मीटर। तो हमें मैग्नीट्यूड और एच फाइंड आउट करना है बैलेंसिंग मास के का, बैलेंसिंग मास का। तो तुमने ये तो फाइंड आउट कर लिया होगा कि बैलेंसिंग मास कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ठीक है, उनका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड चीज आती है, सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्लक्चुएशन इन व्हील प्रेशर अंडर वन व्हील। ठीक है, अंडर वन व्हील वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग कपल एट अ क्रैंक स्पीड ऑफ 300 RPM। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें दिक्कत यहाँ पर हो रही है ना कि ये डी इक्वल टू सी और डी इक्वल टू एम वन कहाँ गया। ठीक है, तो एक चीज देखो, हमारे पास टोटल बैलेंसिंग मास कितना आ रहा है। टोटल हमारे पास, हमने दो बैलेंसिंग मास को कंसीडर किया है कि एम ए और एम बी। ठीक है, और यहाँ से एम बी हमारा आ रहा है 105 kg। अब वो ये किसके लिए है, वेल मास ऑफ मैग्नीट्यूड मास। ठीक है, नॉट ऑफ पॉलीगन एम डी ये आ गया और एम ए 105 kg, मतलब दोनों के दोनों मासेस हमारे 105 kg के। ठीक है, दोनों डिस बैलेंस मासेस है 105 kg के। अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होता है। तुम ये बताओ सबसे पहली चीज कि फ्लक्चुएशन क्यों होगा। देखो व्हील प्रेशर पे, व्हील पे जो प्रेशर जो हैमर ब्लो लगता है वो क्यों लगता है, जब भी हम रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उसके उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंसिंग मास को लगाते हैं। ठीक है, जो वो रोटेट करता है, तो हम जब हम उसमें पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि जब भी हम किसी रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पूरी तरीके से तो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, होता क्या, अगर हम पूरी तरीके से भी बैलेंस करते हैं तो हम क्या देखते क्या है कि जो हमारा अनबैलेंस और रेसिप्रोकेटिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, बैलेंस मास लगाने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में हो जा रहा था। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जा रहा था, तो उससे हुआ क्या, उससे क्या फर्क पड़ा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाता था। इसीलिए हम क्या किए कि हमको ये समझ में आ गया कि हम पूरी तरीके से इसे बैलेंस नहीं कर सकते। उसी वर्टिकल कंपोनेंट से और वही वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हैमर ब्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी नो डेट ईच बैलेंसिंग मास हमारा 105 kg। ठीक है, जो भी हमारा टोटल बैलेंसिंग मास है, जो दो हमने बैलेंसिंग मास फाइंड आउट किए हैं, तो दोनों के दोनों 105 kg है। तो उस बैलेंसिंग मास से, बैलेंसिंग मास पर रोटेटिंग मासेस को बैलेंस करने के लिए कितना बैलेंसिंग मास की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें ये बता रहा है। ये हमें क्या बता रहा है कि इस 105 में से, इस 105 में से हमारा रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए हमें कितने बैलेंस मास की जरूरत थी, हमें ये बता रहा है। ये 150 क्या है, 150 हमारा हमारा रोटेटिंग मास है। ठीक है, 150 तुम्हारा कहां गया, 150 तुम्हारा रोटेटिंग मास है, और नीचे क्या है तुम्हारा 270, मतलब इतने बैलेंस तुम्हें करने थे, मतलब टोटल अनबैलेंस फोर्सेस तुम्हें इतने आने थे, और उस 105 में से ये इतना जो फ्रैक्शन होगा ये तुम्हारा रोटेटिंग मास का फ्रैक्शन होगा।
मतलब इतना जो 58.3 kg जो मास है वो हमारा रोटेटिंग अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसी तरह बैलेंसिंग मास फॉर रेसिप्रोकेटिंग मासेस तुम्हारा CM2/m, CM2 क्या था, ये तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग मास, कितना हम रेसिप्रोकेटिंग मास जो अनबैलेंस था उसको हमें कितना इक्वेट करना था उसके बारे में बता रहा था। ये टोटल 2/3 × 180/270 × 10.05 करोगे तो 46.6 kg तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग मासेस के लिए। एंड दिस बैलेंसिंग मास, और यही जो बैलेंसिंग मास है जो रेसिप्रोकेटिंग वाला है, दिस बैलेंसिंग मास ऑफ 46.6 kg फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग मासेस गिव राइज टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी से हमें फ्लक्चुएशन ऑफ इन रेल रेल प्रेशर देगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन रेल प्रेशर और हैमर वेट। तो यहाँ पे देखोगे बी की वैल्यू क्या दिखता है, 46.6 इंटू 31.42 का होल स्क्वायर इंटू 0.6 = 27602 न्यूटन, ठीक है। ये समझ में आ गया कि जब हम हैमर ब्लो की बात करते हैं तो हैमर ब्लो की बात करते हैं तो हमें उसमें जो बैलेंस मासेस हैं कौन से बैलेंस मासेस को कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो इसमें ये है, ये कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें बैलेंस तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग मास भी बैलेंस करना है और साथ रेसिप्रोकेटिंग मासेस को भी बैलेंस करना है, तो उस चीज में ये ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर उसमें हैमर ब्लो भी पूछता है तो हैमर ब्लो किस वजह से होता है, ठीक है। हैमर ब्लो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे पास सिर्फ रोटेटिंग मासेस हैं तो उनकी वजह से हैमर ब्लो हो रहा है, नहीं, हैमर ब्लो रेसिप्रोकेटिंग मासेस की वजह से होता है। ये चीजें मैंने तुमने शुरू में ही बताई थी कि जब भी रेसिप्रोकेटिंग मास होगी तभी उसी का कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री पे टर्न हो जाता है उसी को हम हैमर ब्लो कहते हैं, ठीक है, उसी का कंपोनेंट होता है जो बच जाता है, ठीक है। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए ही हम वही जो अनबैलेंस फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन 90 डिग्री पे जो चल जाता है वही हमारा हैमर ब्लो या रेल फ्लक्चुएशन इन रेल प्रेशर को मतलब उसी की वजह से होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो करना रहता है वो हम रेसिप्रोकेटिंग मासेस को कंसीडर करते हैं, इस वजह से वहां पर ऐसा कैलकुलेशन किया गया है। अब ये इसमें क्या है, तुम ये तुम्हारा क्या 105 क्या टोटल अनबैलेंस मास है, उस टोटल अनबैलेंस मास में से तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग का कितना फ्रैक्शन है और कितना तुम्हारा रोटेटिंग का फ्रैक्शन वही निकाला है और कुछ नहीं निकाला। 150/270 करोगे तो 150 क्या है, 150 तुम्हारा रोटेटिंग मास है, तो रोटेटिंग मास का अपने टोटल बैलेंसिंग मास में से उसका कितना फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह CM2/270 करोगे तो वो पता चला रहेगा तुम्हें कि उस टोटल बैलेंस मास बैलेंसिंग मास जो तुमने बैलेंस करना उसमें से उसका कितना फ्रैक्शन है, दोनों की वैल्यू फाइंड वो पता चल जाएगा। इंटू 105 कर रहे हैं वो टोटल मास है, ठीक है, वही हमारा बैलेंस है,